जय हिंद। तो किसी भी चीज को चलाने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। बोले तो इसको मैं आप लोगों को कैसे समझाऊंगा, ये आप लोगों को ग्रेविटेशन चैप्टर है, फर्स्ट ऑफ टू शॉर्ट। बेसिकली क्या है, इस चैप्टर पर दो वीडियो बनेगा, उसका पहला वीडियो ये है, क्लास नाइन्थ के लिए है। इसमें क्या है, बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। इसका फील पहले ले लीजिए, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। ये क्या है, एक सर्फेस है, सर्फेस पर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है ना। अब ये तो रुका हुआ है, इस पर हम लोग फोर्स लगाएंगे तभी आगे बढ़ेगा, नहीं लगाएंगे तो नहीं बढ़ेगा। क्या हो रहा है, फोर्स, फोर्स की वजह से क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े हुए ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो कांस्टेंट रहेगा, जितना हम लोग फोर्स लगाएंगे उतना एक्सेलरेट करेगा, मतलब स्पीड बढ़ेगा ज्यादा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। तो इसको फोर्स लगाएंगे एफ इस पर, तो क्या होगा, ये चलना ये स्टार्ट करेगा। मतलब क्या है कि इसको चलाने के लिए हम लोगों को फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं फोर्स लगाएंगे तो ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। किसी भी चीज को चलाने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहां तक तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर कहने का मतलब यही है कि एक सन है, सन क्या, सन तो होता ही है, ठीक है, सन है, ठीक। उसके अराउंड क्या करता है, हमारा अर्थ क्या करता है, वो इस तरह गोल गोल घूमता रहता है। ये अर्थ है हमारा, ठीक है, इतना भी बड़ा नहीं है अर्थ। ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, इस तरफ से इस तरह चल रहा है, ठीक है ना। ये क्यों चल रहा है, देखिए किसी भी चीज को चलाने के लिए फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, ये बात सही है, ठीक। अभी अगर हम लोग स्पेस में बोले तो जो वैक्यूम है ना, जो चांद चांद और सूरज के बीच में जगह है, और अर्थ और सूरज के बीच में जो जगह है, खाली जगह है ना, उसमें हम लोग किसी चीज को छोड़ देंगे तो वो उसी तरह चलते रहेगा चलते रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि ये जो सूरज है वो क्या कर रहा है, सॉरी ये जो अर्थ है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस पर सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, मैं आप लोग बताया था कि जो सर्कुलर मोशन करता है ना वो क्या होता है, तो एक्सेलरेटिंग मोशन होता है, ठीक है। एक्सेलरेटिंग मोशन बोले तो वो एक्सेलरेट करता रहता है, क्यों, क्योंकि उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन हर समय चेंज होता है। यहां पर देखिएगा तो इस तरफ, यहां पर देखिएगा तो इस तरफ, यहां पर देखिएगा तो इस तरफ, हर समय उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होना मतलब वेलोसिटी चेंज होना, वेलोसिटी चेंज होना मतलब एक्सेलरेशन करना। क्या होता था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपन में टाइम, टाइम टेकन टू चेंज वेलोसिटी, मतलब कितना वेलोसिटी को चेंज होने में टाइम लगा वो पूछ रहा है। तो यहां से यहां तक आने में वेलोसिटी चेंज हुआ, ठीक है। यहां से यहीं तक इसी पॉइंट पर जाने में क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अब यहां पर क्या होगा, ये टाइम तो लगा ना, यहां से यहां तक जाने में टाइम तो लगा ना, तो यही टाइम यहां से यहां तक जाने में वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ, भले ही वो दो मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही चले, लेकिन उसका डायरेक्शन तो चेंज हुआ। डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब क्या है कि ये एक्सेलरेट करा, चेंज इन वेलोसिटी अपन में चेंज इन टाइम, वेलोसिटी में चेंज हुआ समय के हिसाब से तो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। अब ये एक्सेलरेट कर रहा है कैसे, आखिर कैसे, कोई ना कोई बाहर से फोर्स लगा रहा होगा तब तो ये एक्सेलरेट कर रहा है ना। वो कौन सा फोर्स है, वो क्या फोर्स है, तो वो फोर्स है ये ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले, ठीक है ना। वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये क्या अर्थ जो है ना वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जैसे हम लोग एक चीज देखे थे, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस होता है, ओके, एटम का न्यूक्लियस होता है। अब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो ये आखिर क्यों करता है, यहां पर भी वही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। उस फोर्स का एक स्पेसिफिक नेम होता है, जो सर्कुलर मोशन कराता है ना, सर्कुलर मोशन जो फोर्स कराता है उस फोर्स का एक खास नेम है, ठीक है। अब उसमें बहुत सारा फोर्स आया, तो वो आप लोगों को मैं समझाऊंगा आगे चल के थोड़ी देर के बाद, लेकिन यहां पर ये रिस्पॉन्सिबल है क्या चीज में, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसमें होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो आप लोगों को पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नहीं देखिए तो सही रहेगा। यही सन में क्या होता है, दो बड़े बड़े मासेस है, वो रिवॉल्व कर रहा है, एक बड़ा मास और छोटा मास है। छोटा मास क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। वो किस वजह से रिवॉल्व कर रहा है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रिवॉल्व कर रहा है। चल यहां तक आइयो, आप लोग समझ में आ गया। इसके बाद दो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं। तो अब ये दो लाइन क्या है, बेसिकली सबसे पहला लाइन क्या है, अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट फॉल टुवर्ड द अर्थ बिकॉज द अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द स्टोन एंड पुल इट डाउन। बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि हम लोग जब एक स्टोन है, बेसिकली इसी को स्टोन मान लेते हैं, इसको जब हम लोग ऊपर की तरफ फेंकेंगे, इसको ऊपर की तरफ फेंक रहा है तो वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ फेंक रहा है फिर नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं चला जा रहा है, इसलिए नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि यहां पर एक फोर्स होता है। देखिए मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये क्या है, अर्थ है, अर्थ है, ठीक। हम लोग यहां पर होते हैं, अर्थ के ऊपर होते हैं, आप लोग कितने को पता होगा कि शायद अंदर होते, लेकिन ये अंदर नहीं होते, हम लोग अर्थ का जो सरफेस है ना उस सरफेस के ऊपर हम लोग होते हैं, ऊपर ऊपर, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर जो आदमी होता है, यहाँ पर जो आदमी होता है वो क्यों नहीं नीचे गिरता है, ठीक है ना, ये आदमी इस तरह कुछ हो जाएगा, हाँ, आ, 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 हाँ
इस तरह कुछ हो जाए, ठीक है। तो ये आदमी क्यों नहीं नीचे गिरता है, ये इसलिए नहीं नीचे गिरता है क्योंकि ये जो अर्थ होता है ना, ये बेसिकली जो अर्थ होता है ना, वो अपने सेंटर से क्या करता है, फोर्स एग्जर्ट करता है, ठीक है ना। वो हम लोगों को खींचता रहता है नीचे की तरफ, क्या करता है, नीचे की तरफ हम लोगों को खींचता रहता है, चारों तरफ से हम लोगों को क्या करता है, ये अर्थ खींचता रहता है, इस तरह एक फोर्स लगाता है कि आओ और नीचे की तरफ आओ, नीचे की तरफ आओ, नीचे की तरफ, इस तरह होता है। अब यहाँ पर क्या है, यही बोला जा रहा है कि हम लोग जब स्टोन को फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आता है, वो आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है। आगे आप लोगों को और क्लियर होगा यहाँ पर क्या लिखा गया है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमोस्फियर फॉलिंग रेन्स फॉलिंग ह्यूमन फ्रॉम द रूफ। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो हमारे चारों तरफ अर्थ के अर्थ है, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ क्या होता है तो एटमोस्फेयर होता है, ठीक है ना। एटमोस्फेयर बोले तो यहाँ पर वायुमंडल जो होता है ना, वो हवा जो होता है ना, बेसिकली वो कैसे टिका हुआ है, वो ऊपर की तरफ उद्या क्यों नहीं आता है, तो यहाँ पर क्या है, ये अर्थ है, ठीक है, ये क्या है, अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या है, हवा है। अब ये हवा चारों तरफ क्यों नहीं बिखर जाता, ये यहीं पर क्यों होता है, तो ये इसलिए यहाँ पर होता है कि जो अर्थ का जो क्या है, अर्थ का बेसिकली जो ग्रेविटेशनल पुल है ना, पुल मतलब कि क्या होता है, खींचना, और ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटी का जो फोर्स होता है ना, वो खींचता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है ना। ग्रेविटी के द्वारा खिंचाव को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल। तो यहाँ पर क्या है, ये जो पार्टिकल्स है ना एयर का, एयर में क्या होता है, पार्टिकल्स होता है ना। अब वो पार्टिकल्स बहुत सारा पार्टिकल्स है, तो वो बहुत ज्यादा मास हो गया, उस मास को क्या करता है, खींचता रहता है अर्थ नीचे की तरफ। अब ये जमीन के तो अंदर छेद करके जा नहीं सकता, इसी को वहीं पर टिका हुआ है जो एटमोसफेयर है ना, वहीं पर। यदि ग्रेविटेशनल पुल बोले तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, वो अगर खत्म हो जाए, वो ना रहे, तो ये जो हम लोग यहाँ पर खड़े हुए, इस तरह खड़े नहीं रहेंगे, उठाएंगे हवा में, मतलब हवा तो उस समय भी नहीं रहेगा जब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो एयर है वो भाग जाएगा, चारों तरफ बिखर जाएगा। अच्छा, हम लोग यहाँ पर जो खड़े होते हैं वो भी ग्रेविटेशनल पुल बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होते हैं, ठीक है ना। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट कैसे करते, तो वो आप लोगों को अभी आने वाला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। यहाँ पर क्या है कि इस आदमी पर ये फोर्स लगा रहा है, कौन, अर्थ, ठीक है, अर्थ फोर्स लगा रहा है, तो ये आदमी नीचे की तरफ खिंचा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि फॉलिंग रेन बोले तो जो बारिश होता है ना वो क्यों नीचे की तरफ गिरता है, वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं भाग जाता है। बारिश ऊपर भी हो सकता था, नीचे भी हो सकता था, चारों तरफ हो सकता था, लेकिन वो नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है, हम लोगों के सरफेस पर, जमीन पर क्यों गिरता है, इसलिए क्योंकि जो अर्थ होता है ना वो खींचता रहता है, भले आसमान के जो अर्थ होता है ना उसका जो रेंज होता है, एक तरह का रेंज होता है, जिस रेंज में आप रहेंगे ना तो अर्थ आपको खींच लेगा, और उस रेंज से बाहर रहेंगे तो अर्थ आपको खींच नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये रेंज होता है, ये रेंज आप लोगों को कैलकुलेट क्लास 11 में करना है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इतना दूर में इसका रेंज है, ज्यादा से ज्यादा आपको खींच लेगा इतना दूर में इसके चारों तरफ, ठीक है ना, इतना दूर में आपका रेंज है। अगर इससे बाहर रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे तो आपको नहीं खींचेगा, लेकिन इस यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको अंदर की तरफ खींचने लगेगा धीरे धीरे धीरे। यहाँ पर थोड़ा कम स्पीड होगा, यहाँ पर बढ़ते 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 अंदर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह होता है, एक रेंज होता है इसका कि इतना दूर के दायरे में आप रहेंगे तो आपको खींच लेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही बेसिकली रेंज होता है ना, वो नीचे की तरफ इसलिए गिरता है क्योंकि उसको ग्रेविटेशन जो होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, वो नीचे की तरफ खींचता है, इसकी वजह से वो नीचे की तरफ गिरता है। और फॉलिंग ह्यूमन फ्रॉम द रूफ, बेसिकली क्या होता है, जो छत पर से गिर जाता है ना आदमी, जिसका गोड़ हाथ पैर मृत्यु भी हो जाता है बेसिकली, तो जो सुसाइड भी करता है, जो बिल्डिंग्स पर से कूद जाता है, वो आखिर मरता क्यों है, मरता इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों को बहुत ज्यादा फायदेमंद भी और बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी है जब आदमी सुसाइड करने के सोचे तब। यहाँ पर क्या है बेसिकली कि जब ह्यूमन कूदता है ना, वो नीचे की तरफ क्यों गिरता है, वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं गिर जाता है, बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब, यदि ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो वो कूदेगा तो उतना ही पर रहेगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा, नहीं ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर कोई भी फोर्स उसको नीचे की तरफ खींचेगा नहीं, यदि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो। अगर यहाँ पर क्या है, अर्थ है, अर्थ क्या करता है, एग्जर्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो क्या करता है, आदमी को नीचे की तरफ खींच लेता है, यही होता है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करें, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अर्थ का, और हम लोगों को कितना खींचेगा, हम लोग किसी चीज को कितना खींचेंगे, आप लोग सोचे पढ़े होंगे किताब में। तो चलिए हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं। तो अब देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस लॉ को एक और नाम से पुकारा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है ना। बेसिकली क्या है कि ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि
यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना, कोई भी दो या दो से ज्यादा कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना, मैं और ये मार्कर, ठीक है, ये वाला मार्कर, ये मार्कर और ये मार्कर, ये मार्कर और ये कपड़ा, ठीक है, या ये कपड़ा और ये मार्कर और ये बोर्ड, कुछ भी क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है यूनिवर्स में, टोटली यूनिवर्स में बेसिकली बात किया जाए, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। बेसिकली क्या बताया, एक मास यहां पर ले लेंगे m1, ठीक, और एक मास यहां पर ले लेंगे m2, ठीक है, और यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, उस डिस्टेंस को हम लोग लेंगे r, ठीक है ना, बेसिकली r भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं, s भी ले सकते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, वेरिएबल मान रहे हैं, ठीक है ना, r। तो यहां पर क्या है कि ये जो फोर्स होगा इन दोनों मासेस के बीच में, सबसे पहली बात कि दुनिया में, सॉरी दुनिया बोल रहा हूँ, टोटली यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है ना टोटली, वहां पर क्या होता है, मासेस होता है, मासेस मैटर जो होता है ना, मैटर, मैटर आप लोग समझते हैं ना, तो वो क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, मैं आपको अट्रैक्ट करूंगा, तो ये मोबाइल जो मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है वो मेरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा, आप जिस मोबाइल में देख रहे हैं उस वो आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन आप लोगों को क्यों नहीं बुझाता कि वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए क्योंकि आपका उसका मास बहुत कम है। देखिए सूरज और अर्थ, ठीक है, हमारा अर्थ और सूरज जो वो क्या होता है, एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है क्योंकि इनका मास बहुत ज्यादा है। अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻²⁴ में 24 को जीरो लगातार लगाएंगे तब उतना मास होता है। आप लोगों को लिखने में यहाँ दुखाया था 24 को जीरो, तो बेसिकली क्या होता है, उतना मास होता है और सूरज का भी बहुत ज्यादा मास होता है, तो उन दोनों को क्या करता है, वहां पर इनका फोर्स क्या बोला गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, मतलब क्या है, इसका मास, ठीक है, इसका मास अर्थ सन का मास और अर्थ का मास दोनों को गुना करेंगे तो उतना लगभग लगभग उतने के बराबर फोर्स आता है। देखिए आप लोगों को मैं समझाता हूँ, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इसका जो मास है ना उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, M1 और M2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये जो फोर्स है, ठीक है ना, ये फोर्स कौन सा फोर्स होता है, तो ये फोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, ठीक है, बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। अब यहाँ पर एक चीज आप लोगों का कंसेप्ट समझना क्या है कि इस मास की वजह से इस पर एक फोर्स लगता है, इस मास की वजह से इस पर एक फोर्स लगता है, आप लोगों ने समझ में, ठीक है, अब समझाता हूँ आप लोगों को, उससे पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूला डिराइव करके बता देता हूँ क्या फॉर्मूला है। तो बेसिकली क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, अब ये जो फोर्स है वो भी क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1/r² आर स्क्वायर बोले तो जितने डिस्टेंस बढ़ाएंगे ना, जितने डिस्टेंस बढ़ाएंगे, ये जो मार्कर है, ये दोनों मार्कर है अभी यहाँ पर है तो बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा होगा एज कम्पेयर टू इसको यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, इसका डिस्टेंस बढ़ गया इन दोनों के बीच का, ठीक है, तो क्या होगा इसमें फोर्स कम हो गया, जैसे ही इस साथ ले आ दे तो ज्यादा फोर्स हो गया, ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, लंगेज लंगेज तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा, दूर दूर तो ज्यादा कम अट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो बेसिकली क्या है ये हो गया। अब जब हम लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी को टोटली जोड़ेंगे तो क्या होगा, इफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r² ये होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर जब हम लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे ना, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब यहाँ पर इस इक्वल का साइन लगाते हैं तो यहाँ पर एक आप लोगों को देखने को चीज मिलेगा, यहाँ पर आता है जी m1 m2/r² तो ये कैसे आया, ये कैसे आया, तो ये जो जी है ना ये कहां से, तो ये तो सिंपल आप लोग समझ गए, जी है आया है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको बोलते हैं, ठीक है ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट का एक स्पेसिफिक नाम रखा गया है, ये बहुत खतरनाक कांस्टेंट है जिसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लिख लिया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना, तो क्या है ये, यूनिवर्स में कहीं पर भी जाइए, आप समुद्र के अंदर जाइए या समुद्र के बाहर यानी स्पेस में जाइए, कहीं पर भी जाइए, आप लोगों को जी का वैल्यू वही लेना है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखने वाला हूँ। वो क्या होता है जी का वैल्यू, जी इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये आप लोग नोटबुक में उतार लीजिए 6 का वैल्यू और इसका नाम भी उतार लीजिए क्योंकि ये नाम भी आप लोगों को कहीं कहीं पर कंफ्यूज करेगा, इसकी वजह से आप लोग लिख लीजिए। तो यहाँ पर आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कैसे फॉर्मूला है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट क्या आता है कि ये फोर्स इस मास की वजह से इस पर फोर्स लगेगा, इस मास की वजह से इस पर फोर्स लगेगा, लेकिन मैं आप लोग बता दूं कि ये जो मास है ना इसके वजह से इस पर जितना फोर्स लगेगा ना उतना ही फोर्स इस पर भी लगता है, जैसे न्यूटन थर्ड लॉ होता है ना उसी तरह यहाँ पर भी होता है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या करता है, आप जितना फोर्स दीजिएगा उतना ही फोर्स मैं भी दूंगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये जो मास है m1 की वजह से इस पर फोर्स लगेगा इस तरफ f1 ड्यू टू 1
इस पर फोर्स जाएगा एफ ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को ये थोड़ा वन टू टू वन ये नहीं समझ में आएगा, अभी समझाता हूँ। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि इसको मिटाना पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि देखिए एक मास ये है, एक मास ये है, ये वन और ये टू, ठीक है ना, एम वन एम टू, एम वन एम टू और एम वन, ठीक है ना, एम वन। तो बेसिकली क्या है कि सबसे पहली बात ये जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं ना, ये सबसे पहली बात मान लीजिए ये गोला है, स्फीयर होगा, स्फीयर बोले तो जो गेंद होता है ना उस तरह का, तो हम लोगों को यहां से लेना, जैसे हम लोगों को ये इसका रेडियस आर दे देगा, ठीक है ना, आर दे देगा, और यहाँ पर एक स्फीयर दे देगा, इसका रेडियस स्मॉल आर देगा, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ना, यहाँ से आप लोगों को सेपरेशन कितना दे सकता है, तो सेपरेशन दे देगा, मान लेते हैं कि एक्स सेपरेशन दे देगा। तो हम लोगों को क्या बताना है, इसके अंदर इसका एम वन और इसका एम टू, तो हम लोगों को बताइए इसमें फोर्स कितना लगेगा। सबसे पहले सिंपल फोर्स निकालना है, किस पर कौन लगा रहा है ये नहीं, सिंपल फोर्स निकालना है। तो आप लोग थोड़ा सा देखिएगा डिस्टेंस इन दोनों के बीच का सेपरेशन एक्स है, मास इसका एम वन एम टू, तो फोर्स लगेगा कितना, फोर्स इज इक्वल टू एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर और यहाँ पर जी, ठीक है ना। ये फोर्स आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये गलत होगा, ठीक है ना। गलत कैसे होगा तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ गलत कैसे होगा। तो सबसे पहली बात ये फोर्स तो फोर्स ही रहेगा, इसका वैल्यू कितना होगा, ये जी तो लिखाएगा ही, M1 और M2 तो लिखाएगा ही, डिवाइडर बाई यहाँ पर जो डिस्टेंस लेंगे ना वो क्या होगा, इन दोनों के सेंटर से लेंगे, ये जो सेंटर है ना, केंद्र है ना यहाँ से, तो इसका डिस्टेंस ये भी रेडियस r ही है, ये भी रेडियस स्मॉल r ही है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस एक्स प्लस आर, इतना टोटल डिस्टेंस हो गया ये। तो हम लोग क्या करेंगे, आर प्लस एक्स प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ये इसके बीच का फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग गलती नहीं कीजिए, हम लोगों को हमेशा जो डिस्टेंस मेजर करना है ना, उस जो बॉडी है ना उसके सेंटर से मेजर करना है। बेसिकली आप लोगों को स्फीयर में ही एक सेंटर मिलेगा, और क्यूब का जो सेंटर होता है वो बीच में होता है, ठीक है ना। तो वो सब कैलकुलेट ऐसा मिलेगा आप लोगों को सवाल जो कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा आप लोगों को नहीं मिलेगा जो कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए तो इसीलिए डरना नहीं है, सिंपल आप लोगों को सॉल्व करना है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सेंटर से मेजर कैसे करना है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर क्या है कि इसकी वजह से क्या इस ये फोर्स लगाएगा इस पर, तो हम लोगों को बोलेंगे एफ ऑन टू, ऑन टू, देखिए इसको बोलते हैं एफ ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, फोर्स, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए फोर्स, इस देखिए एफ ऑन टू ड्यू टू वन इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन टू, ठीक है, ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, देखिए फोर्स लगा दो पर, ठीक है, फोर्स लगा दो नंबर वाले मास पर, किसके वजह से, ड्यू टू किसके वजह से, तो वन वाले की वजह से, ठीक है। इसको लिखने का तरीका ये है, अगर यही लिखा रहता एफ ऑन वन ड्यू टू टू, तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑन वन, फोर्स लगा किस पर, वन पर, ड्यू टू टू, टू की वजह से, इसके वजह से इस पर फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगता है, सबसे पहली बात मैं आप लोग बता दूं कि ये रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है, बोले तो ये भागने भगाने वाला फोर्स नहीं होता है, ये हमेशा खींचने वाला फोर्स होता है, ठीक है ना। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है ना वो हमेशा खींचता है, बोले तो जैसे दो चार्जेस जैसे निगेटिव निगेटिव लाते हैं आप लोग क्लास नाइन्थ में ना, तो एट में पढ़ेंगे, ठीक है, एट में पढ़ेंगे कि दो चार्जेस जब पॉजिटिव पॉजिटिव आता है तो दूर भागता है, एक जगह नहीं रहता है। उसी तरह वहां पर क्या होता था कि जब अलग अलग साइन का आता था, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव, तो एक साथ आता था, जैसे मैग्नेट होता था नॉर्थ और साउथ, तो एक साथ आता था यहाँ, और वहां पर साउथ और साउथ तो दूर भागता था, वहां पर क्या होता था रिपल्सिव, मतलब भागने वाला और खींचने वाला दोनों फोर्स होता था। लेकिन जो मास खींचता है ना वो हमेशा खींचता ही है, वो भागाता नहीं है कभी भी, हमेशा खींचता ही है। तो बोले तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग जो लिखते हैं ना एफ ऑन टू ड्यू टू वन, यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑन वन ड्यू टू टू, यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है ना। तो इस तरह लिखेंगे हमेशा, एक दूसरे को खींचेगा, ये भागाएगा नहीं, ये दुश्मनी नहीं होता, हमेशा प्यार करता है, ठीक है ना। यहाँ पर यही होता है। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, और इस पर बेस्ड सवाल भी आप लोगों को करते रहना है। मैं आप लोगों को सवाल नहीं करा रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, ठीक है। जी एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर, और जो जी का वैल्यू है ना वो है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जो यूनिट है ना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये कैसे है मैं आप लोग बता दूं कि ये फोर्स का होता है न्यूटन। देखिए ये फॉर्मूला है, फोर्स का होता है न्यूटन इज इक्वल टू जी का वैल्यू निकालना है, मास का होता है केजी, और ये भी केजी, तो केजी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आर का स्क्वायर बोले तो मीटर का स्क्वायर, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इस तरह हम लोग ड्राइव करते हैं इसका यूनिट। ओके, तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक क्या है, तो अब अगला टॉपिक है केपलर्स लॉ, थ्री लॉ, ठीक है, केपलर्स का तीन लॉ है उसको देखते हैं, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। अब देखते हैं केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ठीक है ना। केपलर्स का जो लॉज है ना, लॉज यहाँ पर लॉज होगा, ठीक है, लॉज,
ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तीन लॉ है, सबसे पहला क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ केप्लर्स। केप्लर्स का जो फर्स्ट लॉ है क्या है, द प्लैनेट्स मूव्स इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद द सन एट वन ऑफ द टू फोसाई ऑफ इलेप्टिकल ऑर्बिट। बेसिकली क्या बोल रहा है, जितने भी हमारे तरफ जो सन है ना, अर्थ भी, यहाँ तक जो सूरज है ना, सूरज, ये सूरज है ठीक है, सन, इसके चारों तरफ जो मूव करता है ना हम लोगों का, जैसे यहाँ पर वो क्या होता है, तो मरकरी होता है, मरकरी हो गया, उसके बाद वेनस हो गया, उसके बाद हमारा अर्थ हो गया, उसके बाद मार्स हो गया, और बहुत सारा होता है ना, आठ होता है टोटली, तो उतना तो स्पेस नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता देता हूँ कि ये जो हमारा अर्थ और मार्स और वेनस, ये चारों प्लैनेट्स है ना, ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ तक कि वो जो चार यहाँ पर बचा हुआ है वो भी रिवॉल्व कर रहा है। तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो अराउंड किस चीज के अराउंड मूव रहा है। हम लोग क्या पढ़ते थे कि ये मूव करता है सर्कल के अराउंड, गोल गोल मूव करता है, तो ये गोल गोल मूव नहीं करता है। बेसिकली हम लोग मानते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और कंसेप्ट को समझने के लिए, लेकिन ये गोल गोल नहीं मूव करता। तो कैसा मूव करता है, जो सन होता है ना उसके, देखिए वो इस शेप का कुछ मूव करता है, इस तरह का शेप का बेसिकली, ठीक है ना। अंडा जो होता है ना, अंडा, उसको हम लोग फ्रंट में देखेंगे ना, तो उस शेप का कुछ मूव करता है, ठीक है ना। तो इलेप्टिकल पार्ट आप लोगों को एक्चुअली में यहाँ पर जो दिख रहा है वो होता है, ठीक है ना। तो आइए आप लोग समझ में आ गया कैसा होता है। तो ये इलेप्टिकल पार्ट है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक फोसाई होता है, उसका फोकस F1, और यहाँ पर एक F2 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दो फोसाई हो गए, जिसको हम लोग यहाँ पर फोसाई बोलते हैं। फोसाई ये प्लुरल वर्ड है, और इसका होता है फोकस, क्या होता है, फोकस, इसका सिंगुलर वर्ड होता है, ठीक है ना। तो फोकस, तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि जो इलेप्टिकल पाथ है ना, उसके एक फोकस पर सूरज हमारा है, ठीक है। कहीं पर भी, यहाँ पर भी हो सकता है या यहाँ पर भी हो सकता है, तो मान लेते हैं यहीं पर सूरज है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अर्थ जो हमारा मूव कर रहा है, जो प्लैनेट्स मूव कर रहा है ना, वो कुछ इस पाथ पर मूव कर रहा है, ठीक है, इलेप्टिकल पाथ पर मूव कर रहा है। यही फर्स्ट लॉ है, ठीक है ना। हमारा जो जितने भी प्लैनेट्स, आठ प्लैनेट्स है ना, वो हम सूरज के चारों तरफ इलेप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, और जो सन है वो दोनों ये इलिप्स के दो फोकस में से किसी एक फोकस पर है, ओके। तो ये फर्स्ट लॉ है। अब सेकेंड लॉ देखते हैं। तो अब देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ केपलर। केपलर का जो सेकेंड लॉ वो क्या है, बेसिकली सेकेंड लॉ इतना ही है, ठीक है ना। ये मैं आप लोगों को इसमें का बात यहाँ पर लिखा हूँ, थोड़ा सा इलेबोरेट करके। यहाँ पर क्या है कि Each planet revolves around the sun in such a way that the line joining the planets to the sun sweeps equal area in equal interval of time. Basically क्या बोला जा रहा है कि ये जो हमारा elliptical path होता है ना, ये elliptical path नहीं बना है, elliptical path जो होता है ना, basically कुछ इस तरह का होता है। तो ये जो elliptical path है ना, वो क्या होता है, यहाँ पर मान लेते हैं सन होगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा सन है। तो क्या होगा कि हम लोगों का अर्थ मान लेते हैं यहाँ पर आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर अर्थ है, तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टी टाइम लगा, ठीक है ना, टी टाइम, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टी टाइम लगा। यहाँ पर अब अर्थ आ गया, तो शुरुआत में कहाँ था, तो यहाँ पर था, ठीक है, इस पॉइंट पर था। अब आ गया कहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया। ये टोटल एरिया कितना ट्रेवल किया, तो ये एरिया ट्रेवल किया, ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया जो है ना, ये वाला ट्रेवल किया, ठीक है ना। तो ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया ये अभी इतना देर में ट्रेवल किया, ठीक है ना। इस तरह था और इस तरह मुड़ गया, ठीक है ना। यहाँ से देखेंगे तो ये इस तरह यहाँ पर चला गया, ठीक है ना। तो ये इतना एरिया टी टाइम में ट्रेवल किया, ठीक है ना, टी टाइम में इतना एरिया, मान लेते हैं ये बहुत मतलब ज्यादा एरिया है ना, यहाँ तक इतना मतलब इतना दूर में है, फिर उतना मोटा भी है, तो बहुत ज्यादा एरिया हो गया ना। अब इसी टाइम में बेसिकली क्या है, उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ से हम लोग इक्वल एरिया ट्रेवल करना है, तो हम लोगों को कम से कम इतना लेना पड़ेगा, तो हम लोग बहुत ज्यादा ही देखिए, बहुत ज्यादा एरिया है ना, तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम अलग लग सकता है। यहाँ पर T1 मान लेंगे तो ये T2 हो जाएगा, लेकिन ये जो एरिया होगा ना, ये एरिया सेम होना चाहिए, ठीक है ना। ये एरिया ए मानते हैं, ये एरिया को हम लोग ए मानते हैं, तो ये भी एरिया ए ही होना चाहिए। बेसिकली क्या बोला जाए कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देखिए क्या बोला जाए कि द सन स्वीप ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बेसिकली क्या है कि यह है, ये T1 में इतना है, फिर T2 में यहाँ पर, तो ये T2 और T1 दोनों एक जैसा ही होना चाहिए, इसको हम लोग T के बराबर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये T1 T और T क्या है, टी टाइम में इतना ही और टी टाइम। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर इसका स्पीड कम हो जाता है। बेसिकली सन क्या करता है, सॉरी प्लैनेट्स क्या करता है, वो यहाँ पर धीरे धीरे जब सन से दूर होता है ना, सन से दूर होता है, यहाँ पर लिखा गया है कि अ प्लैनेट मूव फास्टर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन एंड मूव स्लोली व्हेन इट इज फार्देस्ट फ्रॉम द सन। जब सन से दूर होता है तो वो धीरे धीरे मूव करता है, क्योंकि उसको एरिया जो होता है ना, वो एकदम बराबर तय करना है इसकी वजह से। अब जो सन के करीब होता है, तो इसको एरिया तो बहुत एक के उतना ही समय में बहुत एरिया कवर करना है, तो क्या कर रखता है ये कि इसको स्पीड बढ़ा देता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि इसका स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो जब सन के करीब होता है तो स्पीड बढ़ता है, जब सन से दूर होता है स्पीड कम होता है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि जब सन से दूर होता है तो हम लोग गर्मी कम पड़ेगा, गर्मी कम पड़ेगा तो वो ठंडी का मौसम जो आता है वो इसकी वजह से ज्यादातर सोचेंगे अगर
इस क्लाइमेट्स के बारे में, तो यहां से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, स्पीड ऑफ प्लैनेट्स इज नॉट कांस्टेंट। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, तो स्पीड इसका कुछ और है, फिर यहाँ पर स्पीड इसका कुछ और है, लेकिन जो टाइम लगा है ना इतना एरिया कवर करने में, ये जो डिस्टेंस है वो नहीं, ये जो एरिया कवर करने में, ए एरिया कवर किया तो यहाँ पर भी ए, तो क्या है एरिया कवर करने में जितना टाइम लगा है यहाँ पर भी उतना ही यहाँ पर भी लगेगा। ओके, तो ये सेकेंड लॉ। अब थर्ड लॉ देखते हैं, तो ये जो थर्ड लॉ है ना बेसिकली कैच द बेस है। तो हम लोगों को जो ये इलेप्टिकल पाथ होता था ना, ये जो इलेप्टिकल पाथ होता था इस तरह का कुछ, इसको हम लोगों को क्या मानना है, तो सर्कल की तरह मानना है, ठीक है, सर्कल की तरह मानना है इस थर्ड लॉ में, ठीक है ना। किस लिए, तो आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा किस लिए। देखिए थर्ड लॉ क्या कहता है, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ इट्स इट टेक टू मूव अराउंड द सन। बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि ये जो सन है ना इसके अराउंड ये जो प्लैनेट्स मूव कर रहा है ना, ये रेडियस आर ले लेंगे, ये जो मीन डिस्टेंस है वो, तो क्या हो रहा है कि ये जो टाइम लग रहा है इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में, ये जो टाइम लग रहा है ना यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम टी मान लेते हैं, तो ये जो टाइम लग रहा है ना, तो बेसिकली क्या ये टाइम जो है ना वो क्या चीज के प्रोपोर्शनल है, तो वो प्रोपोर्शनल है ये जो रेडियस आर है ना, मीन डिस्टेंस उसको हम लोग बोलते हैं, तो वो जो है ना उसके प्रोपोर्शनल है। कैसे प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। देखिए द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, ये जो क्यूब है ना, ये जो डिस्टेंस है ना उसका क्यूब प्रोपोर्शनल है किसके, तो टाइम जो लग रहा है यहां से वहां तक जाने में उसका टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं हम लोग तो क्या मिलता है हम लोगों को, इज इक्वल टू का साइन, जिसको हम लोग इसका बोलते हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट के आता है, ठीक है, उस कांस्टेंट के का वैल्यू क्या है तुम लोगों को अभी पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आर क्यूब बटे टी स्क्वायर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, ये क्या है, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर होता है, तो हम लोग जब सवाल करेंगे तो हम लोगों को क्या करना है कि आर क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इस इक्वेशन को लेकर हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों को अलग अलग सिचुएशन में पूछ सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फ्री फॉल का केस। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को देखिए, ये क्या है, ये एक मार्कर है, इसको हम लोग ऊपर की तरफ है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो जब ऊपर जा रहा है ये नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या कर रहा है, ये फ्री फॉल कर रहा है। फ्री फॉल का मतलब, फ्री फॉल का मतलब यही होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव करे, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना उसके उसके वजह से जो मूव करता है ना उसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है ना। फ्री फॉल वो कर रहा है और उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, चाहिए जो हवा, हवा की वजह से, देखिए हम लोग इस तरह करेंगे तो हम लोग को हवा लग रहा है क्योंकि हवा हम लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो हवा फोर्स लगा रहा है। हम लोग जो सवाल करते हैं उसमें हवा का फोर्स नहीं लेते क्योंकि उसको हम लोगों को निग्लेक्ट करना पड़ता है, तो बेसिकली यहाँ पर यही है। तो ये इसी को फ्री फॉल बोलते हैं, और फ्री फॉल जो होता है ना, बड़ा मास हो चाहे छोटा मास हो, वो जो होता है ना उसका एक्सेलरेशन, जो अर्थ का खींचने का ताकत है ना, वो सेम है सबके लिए, ठीक है ना। ज्यादा मास, बड़ा मास होगा तो वहां पर एक्सेलरेशन उतना ही होगा जितना इस पर लगेगा, ठीक है ना। लेकिन इसको क्या करता है हवा, और उसको भी हवा रोकने की वजह से थोड़ा सा एक्सेलरेशन में चेंजेस आता है, लेकिन हम लोगों को लेना है जो एक्सेलरेशन अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है ना, जिसको हम लोग जी बोलते हैं, ठीक है ना, जी, इसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं। तो इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप लोग कैसे कैलकुलेट करिएगा, तो कैलकुलेट करना कुछ नहीं है, देखिए क्या करना है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, और फोर्स इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक के जी मास के ले लेंगे, तो एक के जी तो यहाँ पर एक लिखेंगे और ये मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, ठीक है, मास ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ है ये हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ अर्थ देखिए ये है अर्थ, ये है अर्थ का रेडियस, अर्थ का मास एम ई, यहाँ पर कोई एक के जी का ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो यहाँ पर इस पर फोर्स निकालते हैं, तो ये फोर्स कितना होगा 1 के जी इस तरह, तो बेसिकली क्या हो जाएगा जी एम ई बटे आर ई, ये हो गया ना। तो यहाँ पर हम लोगों को निकालना क्या है, तो हम लोगों को निकालना है बेसिकली, अच्छा ये एक के जी जरूरी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर एम भी ले सकते हैं ना, एम, तो ये एम हो गया, ठीक है, मास एम इसका ले लिए, तो यहाँ पर बेसिकली क्या लिख देंगे, एम ही लिख देंगे, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, एम। तो ये जो फोर्स है इसके बराबर होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालने के लिए जी एम ई एम बटे आर ई का स्क्वायर, तो ये एम कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन जो आएगा ना अर्थ की वजह से वो क्या होगा, तो जी एम ई बटे आर ई का स्क्वायर, तो ये होगा इसकी वजह से एक्सेलरेशन। तो इसका वैल्यू आप लोग यहाँ पर सबसे पता होगा, रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ और जी का वैल्यू आप लोगों को पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये होता है, तो ये बेसिकली हो गया ना। तो यहाँ पर आप लोग समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्या चीज, तो आप लोगों को ये एक बात बता दूं कि जब बॉडी जो है ना ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो, ठीक है ना, तो हम लोगों को जो ऊपर का वेलोसिटी होता है ना उसको पॉजिटिव लेना है, क्या लेना है, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ जब एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग निगेटिव लेना है, सिंपल। जब बॉडी ऊपर इस तरह, देखिए ये जो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ से,
ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोग समझ में आएगा कि ऊपर ऊपर वाला चीज पॉजिटिव होता है, इस तरफ वाला पॉजिटिव होता है, इस तरफ वाला पॉजिटिव होता है, इस तरफ वाला नेगेटिव होता है और इस तरफ वाला नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हम लोग को ऊपर नीचे देखना है। तो ऊपर की तरफ जब जाएंगे, ये जो हमारा अर्थ का सरफेस है उससे जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम लोगों को पॉजिटिव लेना है, और जब ऊपर से छत से नीचे की तरफ गिर रहे, कहीं से नीचे की तरफ गिर रहे तो हम लोगों को उस समय वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब नीचे की तरफ जा रहा है तो हम लोगों को क्या लेना है, तो निगेटिव लेना है, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ तो वो भी निगेटिव लेना है, टाइम हमेशा पॉजिटिव लेना है। ठीक है ना, जो टाइम होता है ना वो कभी भी निगेटिव नहीं लेना है, ऊपर चाहे ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को साइन कन्वेंशन थोड़ा सा आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है, मास और वेट। सबसे पहली बात मास के बारे में समझ लेते हैं। जो मास क्या होता है, बेसिकली मास बोलते हैं कि किसी बॉडी के अंदर कितना मैटर है, मैटर। ठीक है ना, मैटर बोले तो मान लेते हैं क्या, तो ये कोई बॉडी है, इसके अंदर कितना मैटर है, छोटे छोटे मैटर, बेसिकली हम लोग समझ सकते हैं मैटर कितना। ठीक है ना, तो उसके अंदर मैटर कितना, उस मैटर के अमाउंट को हम लोग बोलते हैं मास। ठीक है, उस अमाउंट को बोलते हैं मास। और सबसे पहली बात, मास आप लोग अर्थ पर जितना देखेंगे ना, 10 kg अर्थ पर है तो चांद पर ले जाइए चाहे सूरज पर ले जाइए उतना ही मास होगा। ठीक है ना, लेकिन वेट चेंज होता है। ठीक है ना, वेट चेंज होता है सबसे पहली बात, उसके आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्यों चेंज होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मास के बारे में समझ लेते हैं। मास कहीं पर भी देखिए, आप लोग यूनिवर्स में कहीं पर भी ले जाइए, मास सेम होगा। ठीक है ना, मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर को बोलते हैं, और मास एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है मास, और उसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, केजी जिसको बोलते हैं। ठीक है, 10 kg 5 kg ये सब होता है ना, तो वो हम लोग किलोग्राम देखते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब देखते हैं वेट के बारे में। वेट क्या होता है, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स ठीक है ना, जो हम लोग वेट मेजर करते हैं ना, बेसिकली हम लोग का जो वेट मेजर करते हैं, वेट जिस पर हम लोग मेजर करते हैं, तो वो हम लोग वहां पर फोर्स मेजर करते हैं। बेसिकली जो ग्रेविटेशन की वजह से फोर्स होता है ना, वो मेजर करते हैं। आप लोग अर्थ पर जो फोर्स देखते हैं ना बेसिकली हम लोगों पर, वो चांद पर देखेंगे ना तो वहां पर कम होता है, सूरज पर देखेंगे ना तो सूरज पर बहुत ज्यादा हम लोगों को खींचा, वहां पर हम लोगों का जो वेट होगा ना बढ़ जाएगा। चांद पर देखेंगे तो बहुत कम, और अर्थ पर देखेंगे ना तो मेडिएट होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या समझ में आया कि जो वेट होता है वो हमें कहीं कहीं अर्थ पर देखेंगे तो अलग होगा, चांद पर अलग, मतलब क्या है कि वो जगह के हिसाब से वैरी करता है। ठीक है ना, जगह के हिसाब से बदलता है। और जो मास होता है वो आप लोग चांद पर देखिए चाहे सूरज पर देखिए चाहे अर्थ पर देखिए, कहीं पर भी देखिए सेम होता है मास। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जो मास होता है ना वो मास जीरो नहीं हो सकता। मास यदि जीरो हो जाए तो वो मैटर ही नहीं है, हम लोग जीरो हो जाएंगे, हम लोग के अंदर कोई भी चीज नहीं रहेगा तो हम लोग है ही नहीं। ठीक है ना, हम लोग नामो निशान नहीं। तो बेसिकली क्या है, मास जो होता है ना वो कभी भी जीरो नहीं होगा। और उसके अलावा क्या है, जो वेट होता है वो जीरो हो सकता है। जब हम लोग वैक्यूम में जाएंगे ना, जो आप लोग स्पेसशिप में अगर कोई आदमी जाता है ना, जब चांद पर जाने के लिए करता है, तो वहां पर क्या होता है, वो हवा में रहता है। हवा में क्यों रहता है, उस पर कोई भी नीचे की तरफ फोर्स नहीं लग रहा है, नीचे की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसका वेट क्या हो गया, जीरो। मतलब क्या है कि फोर्स जीरो, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स है, और इस वेट का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, जैसे न्यूटन होता है फोर्स का, उसी तरह यहां पर भी। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या है कि और जो वेट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी जो है, वेक्टर क्वांटिटी, जैसे इसका डायरेक्शन कैसे होता है, तो वेट नीचे की तरफ लगा, वेट नीचे की तरफ है, तो ये डायरेक्शन इसका नीचे की तरफ होता है। ठीक है ना, तो ये होता है। ठीक है, तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते जय हिंद, जय भारत।